मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय के एसएफसी टीबीडीएस गोदाम से डीएसटी अभिकर्ता द्वारा भेजे गए डोर स्टेप डिलीवरी वाहन से डीलर के गोदाम में अनाज पहुंचाने जा रही एक पिकअप वैन को नवकरही नगवास मुख्य सड़क में बुढ़वन गांव में बकुलबा मोड़ के समीप पलट जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि उक्त पिकअप वैन बेनीपट्टी मुख्यालय स्थित एसएफसी के टीबीडीएस गोदाम से अनाज लोड कर नगवास पंचायत के डीलर रमन साह के गोदाम तक पहुंचाने जा रही थी। अदां उक्त जगह पर पहुंचते ही वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त हुए पिकअप वैन के चालक को भी मामूली चोटें आई हैं। हालांकि गाड़ी के पलटते ही चालक भाग निकलने में सफल रहा। ये गनीमत रही कि उक्त स्थल पर कोई अन्य लोग अगल बगल नहीं थे, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। उधर दुर्घटना की सूचना मिलते ही संबंधित डीलर अन्य डीलर के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर दूसरा वाहन मंगवाकर उसमें अनाज को फिर से लोड करवाकर गोदाम तक भेजने में जुट गए। उधर कई लोगों ने बताया कि पिकअप वैन पर क्षमता से अधिक अनाज होने और सड़क जर्जर होने के कारण चालक ने संतुलन खो दिया और वाहन पलट गई, जिससे वाहन में लोड किए गए अनाज की बोरी सड़क से नीचे बिखर गई। संवाददाता राजीव कुमार झा की रिपोर्ट, बीएनपी न्यूज मधुबनी।